हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो कि ग्रेविटेशन है वो शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पहले के जो दो चैप्टर हैं, दैट इज मोशन एंड फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, वो चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है हम उस चैप्टर का यूज करेंगे इसमें, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 8th क्लास में पढ़ा होगा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। राइट। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के हैं? एक तो हमको पता है ग्रेविटेशन, राइट। एक हमको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप पता है, दैट इज ग्रेविटेशन। और कौन से नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप है? एक होता है मैग्नेटिक, राइट। एक होता है न्यूक्लियर, और एक और जो फोर्स का टाइप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार टाइप्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। हमारा जो मेन एम ऑफ स्टडी है दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, अगर आपने 8th चैप्टर में करा हो, सर्कुलर मोशन वाली, राइट। सर्कुलर मोशन वाले में होता क्या है, तो उस एक्टिविटी में था कि एक्चुअली ये थ्रेड था, इस पर हमने एक स्टोन टाई कर रखा था, राइट, और हम इसको घुमा रहे थे गोल गोल, ठीक है। तो ना ये स्टोन बाहर की तरफ जा रहा था ना ये अंदर आ रहा था, पर ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, राइट। सो वी कैन से दैट द स्टोन वॉज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। अब इस सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा था, हम मान लेते हैं कि जो उसकी स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट थी, राइट। ये स्पीड जो थी दैट वॉज कॉन्स्टेंट, पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे सेम रही होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का क्या सीन था, दो क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर, राइट। स्केलर वॉज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था, राइट। अगर हम सिर्फ इसके स्पीड की बात करें तो दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। पर वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी चेंज आता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, राइट। अगर यहाँ पे ये मान भी लें कि इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, मतलब इसके जो रोटेशनल मोशन में जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, पर वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे ये यहाँ जाना चाह रहा होगा, कहीं यहाँ पहुँचने के बाद वो यहाँ जाना चाह रहा होगा, यहां पहुंचा होगा तो वो यहां कहीं जाना चाह रहा होगा, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था? टेंजेंशियल, है ना। तो अगर ये थ्रेड को कट कर दिया जाता तो एक टेंजेंशियल पाथ में फ्लाई करता, राइट। तो ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन कॉज हो रहा होगा, बिकॉज वी स्टडीड अर्लियर दैट चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, राइट।
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कॉज हुआ होगा, राइट। और यहाँ पे हर पॉइंट पे, यहाँ पे डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट। और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की टुवर्ड्स खींचता है। सो एंड सर्क्यूलर मोशन देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। Which will produce an acceleration or force that will be acted towards the center, which is known as centripetal acceleration or centripetal force, राइट। तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। एक बार और डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो सपोज दैट द ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर, तो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, वेयर एफ सी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब यहां पे आपने एक्सेलरेशन देखा कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट। इसी तरह के चार टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, दैट वी वोंट स्टडी, दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, बट चार टाइप के एक्सेलरेशन कॉज होते हैं। हमारा सिर्फ जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, राइट। अब हम आते हैं अपने ग्रेविटेशन के बारे में। ये देखा होगा आपने कि कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ ही गिरती है, राइट। हम लोग कितना भी ऊपर फेंक ले वो वापस आनी अर्थ के ऊपर ही है, राइट। जैसे ये कैप है, राइट, मैंने इसको ड्रॉप कर, इट विल फॉल डाउन ऑलवेज। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, राइट। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अर्थ एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा इस पेन के कैप के ऊपर, राइट। ये अगर पेन का कैप है, ये अगर नीचे गिर रहा है, तो अर्थ जो है वो इस कैप को किसी फोर्स से पुल कर रहा होगा, राइट। तो ग्रेविटेशन के डेफिनेशन की बात ये होगी, अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो व्हेन टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर मासेस, ऑब्वियसली अगर दो बॉडीज है तो उनके पास मास होगा ही, तो ये चीज अंडरस्टूड है। व्हेन टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर मासेस, देन सच फोर्सेस आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल
अब हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, राइट, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, राइट। अब मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इस कैप को मैंने रिलीज करा तो ये नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि अर्थ इसको किसी फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, राइट। तो ये वाली बात भी तो ट्रू होगी ना, अगर अर्थ एक एक्शन फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो कोई रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये जो कैप है ये भी तो ऊपर की साइड पुल कर रहा होगा अर्थ को, राइट। बट वी कैन नॉट सी द मूवमेंट ऑफ अर्थ, है ना, कि पेन का कैप गिरा है हमने, ये तो नहीं होता कि धरती ऊपर आ गई, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों के मासेस में डिफरेंस है, राइट। जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F21, मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बट बस डायरेक्शन जो होंगे वो अपोजिट होंगे और दोनों अपोजिट बॉडीज के ऊपर एक्ट करेंगी, राइट। अगर अर्थ एक्शन फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे कैप जो होगा वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अर्थ इसको नीचे खींच रहा होगा कैप को, और कैप जो है वो अर्थ को ऊपर खींचना चाह रहा होगा। बट सवाल ये है कि हमें अर्थ का मूवमेंट क्यों नहीं दिखता है ना। तो अर्थ का मूवमेंट नहीं दिखने का एक रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये भी देखा था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगी ऑब्जेक्ट में वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, राइट। सो यहाँ पे पेन का ये जो कैप का मास है ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, इसके लिए हमें अर्थ का जो मूवमेंट है वो ऊपर आता हुआ नहीं दिखाई देता है। और वहीं अगर अर्थ जब पेन के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उसके ज्यादा मास की वजह से हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कैप में वो शो होता है। हाउ, लेट अस प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन। अपने को पता है कि एफ नेट जो होता है, जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होता है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, है ना। मतलब जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो सॉरी जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस होगा। अगर मैं अर्थ के मास की बात करूं, राइट, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, सिंस मास ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई, राइट। अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अर्थ वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो अगर मास ऑफ अर्थ ज्यादा है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा। और वहीं हम बात करें मास ऑफ कैप की, राइट, कैप का मास कैसा है, बहुत कम, है ना। तो कैप में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, दैट इज विजिबल टू अस हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एज सेम। हमको जो एक्सेलरेशन कॉज होगा कैप में वो बहुत ज्यादा होगा, यही रीजन है कि हमको अर्थ जो है वो ऊपर आती हुई नहीं दिखती है पर जो कैप है वो हमें नीचे आता हुआ जरूर फील होता है, राइट। सिंस सिंस मास ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कैप, दैट्स वाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ इज वेरी स्मॉल। और एक वर्ड में कहें, सिंस एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन है,
राइट, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम हो जाएगी। सो इसके लिए ये रीजन है कि हमारा अर्थ ऊपर की तरफ नहीं आता है। अब सवाल ये है कि जो मून का मास है वो तो काफी ज्यादा है, तो अर्थ और मून का अट्रैक्शन होता है, हमको दिखता क्यों नहीं है? राइट, तो सिर्फ इसका इसको समझने का सिंपल सा ये फंडा है ना कि अपना जो सोलर सिस्टम है, पहली बात वो सर्कुलर नहीं है, एक प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, दे मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये आप आगे पढ़ोगे कि वो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, राइट। पहली बात ये, दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ अर्थ और मून ही थोड़ी है सोलर सिस्टम में, और भी प्लैनेट्स हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, तो नेट फोर्स जो होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, राइट। और अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, या अर्थ की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मून जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, राइट। वो आगे का कंसर्न है, वो अभी उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है? ये लॉ ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, किस फोर्स से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, राइट। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स, राइट। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स अस अबाउट द फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल अप्लाई ऑन अदर ऑब्जेक्ट टू पुल इट टूवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। सो वी कैन राइट इट एज दिस लॉ स्टेट्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ पुलिंग फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट, राइट। कितना पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये लॉ वो बताता है। अब इस लॉ की कुछ खास बातें, जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन होगा, जो फोर्स पुलिंग का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो दो बॉडीज का मास है उनके प्रोडक्ट के, राइट। सो M1 इंटू M2, लेट अस सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है लेट अस टेक इट एज D, राइट। इसका मास है M1, इसका मास है M2। हम कह रहे हैं कि जो फोर्स M1 M2 के ऊपर लगाएगा वो इक्वल होगा M2 जो M1 के ऊपर लगाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाउएवर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस विल बी डिफरेंट। सो वी कैन से दैट जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन A, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, इन दोनों मासेस के डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। मतलब अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, सपोज दैट मैंने डिस्टेंस को 4 मीटर कर दिया, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? कम हो के 16 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, 1/16 टाइम्स
कम हो जाएगा। सो इसको मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूँ दैट फ्रॉम ए एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, राइट? यू कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force of ग्रेविटेशन होगा वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट? अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं और इक्वल टू से चेंज करें तो एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके अंदर, राइट? सो जी इंटू एम वन एम टू बाय टी स्क्वायर, राइट? अब ये जी क्या है? जी है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एट दिस जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी की यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली फोर्स है तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होगी, पर हमको जी की यूनिट निकालने में इंटरेस्ट है, राइट? सो एक बार और इक्वेशन रीराइट करते हैं, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। मैं डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ इंटू डी स्क्वायर, ये एम वन एम टू नीचे डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, दैट इज इक्वल्स टू जी, राइट? सो यूनिट ऑफ जी ये क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और डी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन, मास की यूनिट केजी और एम टू की यूनिट केजी तो केजी स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होगी। और वहीं अगर जी के वैल्यू की बात करें, राइट, अगर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो दैट इज वैल्यू ऑफ जे इज 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्रेडिट जाता है हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश को। राइट, तो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट विल बी फोर्स इक्वल्स टू जी इनटू एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, राइट? अब अपना एक एग्जांपल है एनसीईआरटी के पेज नंबर 134 पे, एनसीईआरटी पेज नंबर 134 एग्जांपल नंबर 10.1। आई देखो, करने को आप जो एग्जांपल्स हैं वो खुद से भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस एग्जांपल को याद ना करो। ये बच्चे जनरली क्या करते हैं कि
बड़ी वैल्यूज को देख के ना उन चीज़ों को याद कर लेता है, राइट। तो एग्जाम में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो सारा आंसर गलत हो जाता है। तो एक बार जस्ट तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का कि हायर पावर्स के या हैवी पावर्स के न्यूमेरिकल को किस तरह से टैकल करते हैं। तो इस चीज में जो गिवन पोर्शन है, राइट, हमारा जो पहला स्टेप होता था लिखने का वो गिवन लिखना था। तो पहला दे रखा है हमको मास ऑफ अर्थ, सो मास ऑफ अर्थ को एम ई ले लेते हैं, दैट इज 6 × 10⁴ के जी। एंड दैट ऑफ द मून इज, मास ऑफ मून को एम एम ले लेते हैं, दैट इज 7.4 × 10⁻²। राइट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस दे रखा है मून और अर्थ के बीच में वो दे रखा है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। राइट, इस चीज़ को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 1000, तो 3.84 × 10⁵ × 1000, इसको लिख सकते हो 10³। सो इट विल बी 3.84 × 10⁸ मीटर ये डिस्टेंस। हमसे पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, राइट। फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून विल बी सेम एज फोर्स एग्जर्टेड बाय मून ऑन अर्थ, राइट। सो जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो जी 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, पहले ऑब्जेक्ट को अर्थ ले लेते हैं और सेकंड को मून ले लेते हैं, राइट। हमसे पूछा भी यही है एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, सो इट विल बी 6 × 10⁴ के जी इंटू 7.4 × 10⁰²। ये के जी और ये के जी और ये पावर माइनस टू, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। अपॉन टी इज 3.84, इसका स्क्वायर करना है अपने को, राइट, इंटू 3.84 × 10⁸ इंटू 10⁸ मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारी यूनिट सही आ रही है, मतलब न्यूटन जो कि फोर्स की यूनिट होती है, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करें अगर 10⁻¹, 10⁻², 24 एंड 22 इज 4 × 6 46, 10⁻⁶ माइनस 10⁻¹, दैट इज 10⁻¾। इसको यहां रखते हैं एक बार, एफ विल बी इक्वल्स टू 6.67 × 6 × 7.4 × 10⁻²+24 प्लस 22 और माइनस 11, राइट। व्हेन पावर्स, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 24 + 22 दैट इज 46 माइनस 11 इज 35, 10⁻¹ अपॉन 3.84 × 3.84 × 10⁻¹⁶, राइट। 16 और दिस विल बी हाउ मच, 19, राइट। और सिंप्लीफाई करें अगर, यहाँ से हटेगा डेसिमल तो अपॉन 100, यहाँ से डेसिमल हटेगा अपॉन 10, यहाँ से डेसिमल इंटू 100, यहाँ से डेसिमल इंटू 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 10⁻¹ और 10⁻¹. राइट, सो 6 67 × 6 × 74
इंटू 10^20 ऑल अपॉन 384 इंटू 384, राइट। सो इस तरह से आप पावर्स को कैंसिल आउट करोगे और फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू 10^20 न्यूटन। दिस मच फोर्स विल बी एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, राइट। तो ये था हमारा आज के टॉपिक के लिए।